तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। जी हाँ, जल ही जीवन है। और उस जीवन को अर्थात जल को एकत्रित, ये देखिए मेरे पीछे वो टंकी बना हुआ है, वही एकत्रित करके रखता है और पूरे गांव को जल प्रदान करता है, देता है। तो चलिए दिखाते हैं टंकी कैसा बनता है और कैसा बना हुआ है टंकी, कैसा जल एकत्रित होता है, पूरी प्रक्रिया इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। गाइस देख सकते हैं कि ये बोर है। जी हाँ, टंकी में बोर फिट किया गया है और ये जो पाइप गया है वो गया है उस टंकी की तरफ। तो ये देखिए भूमिगत जल जो है इस टंकी में एकत्रित हो रहा है, काफी सुंदर पवित्र जल है दोस्तों। और इस टंकी से, छोटे टंकी से इस बड़े वाले टंकी में यह पाइपलाइन जो है बिछी हुई है और उसके निचले वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से पे गया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए चारों तरफ जो है ये पाइप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ है, इसी में जा रहा है हमारा पवित्र जल। और इस टंकी के नीचे में ये सोखता, जी हाँ इसको सोखता बोला जाता है, यही बनाया गया है। और ये देखिए दोस्तों इसको बोला जाता है वाल, जी हाँ इसको वाल बोला जाता है, पानी के मुहाने को किस तरफ से उस तरफ करने के लिए। और ये देखिए जल यहाँ पर एकत्रित है जो कि ओवरफ्लो के लिए लगाया गया है। और दोस्तों इस पानी टंकी के जस्ट बगल में ये कंट्रोल रूम जो है बनाया गया है कंट्रोल करने के लिए। तो माय फ्रेंड अब वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सीढ़ी जो है बनाई गई है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप लोगों ने पहला स्टेप देखा और ये देखिए ये दूसरा स्टेप है और इसके किनारे में रेलिंग लगाया गया है ताकि कोई भी इधर से उधर ना जा सके और ना यहाँ पर दुर्घटना ना हो करके। तो थोड़ी सी दूर चढ़ने के बाद देखिए कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता है निचला हिस्सा। और अब ये तीसरा स्टेप है दोस्तों सीढ़ी का, ये देखिए मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर की ओर। और ये चौथा स्टेप है हमारा सीढ़ी का दोस्तों। और ये मेरा दोस्त जो है थक कर यहाँ पर बैठा हुआ है, खिलाड़ी जो है। और ये पांचवा स्टेप है सीढ़ी का। और इस पांचवें स्टेप के बाद दोस्तों इस प्रकार से समतल जो है बनाया गया है हमारा टंकी और चारों तरफ जो है रेलिंग लगाई गई है पाइप का। ये देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुहाना और सुंदर है, बहुत ही अच्छा। और इसके बाद ये छठा स्टेप जो है लोहे का यहाँ पर सीढ़ी दिया गया है ऊपर जाने के लिए। और अब देखिए मेरा दोस्त जो है उसमें चढ़ रहा है, काफ़ी ख़तरनाक है। तो दोस्तों देखिए हम ऊपरी वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। मेरा दिल तो धक 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 कर रहा है, लेकिन क्या करें, मन को मनाना पड़ता है यार, और डर को भगाइए। और देखिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ऊपरी वाला हिस्सा जो है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये ऊपरी वाला हिस्सा है और इसके मुहाने पर देखिए ये निचले वाला हिस्सा है, इसमें जल एकत्रित हो रहा है। जी हाँ, जल बहुत ज़्यादा एकत्रित हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा, मतलब ये विशाल का जो टंकी है पूरे हमारे कोरबी ग्राम को जो है जल का सप्लाई करता है। तो दोस्तों ये देखिए ये खोलने का है और यहाँ पर जो है एक सीढ़ी बनाया गया है नीचे जाने के लिए। जी हाँ, ये देखिए नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी बनाया गया है यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो। और काफ़ी सारा, बहुत सारा यहाँ पर जल एकत्रित हो चुका है बोर की वजह से। ये आवाज़ सुनिए आप, ध्वनि देखा आपने, ध्वनि सुना। चलिए सर इसको बंद कीजिए अब। तो दोस्तों अब आते हैं स्वर्ग की बारी। जी हाँ, इस टंकी के जस्ट बगल में एक तालाब है जो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है ऊपरी वाले हिस्से से टंकी से। और ये हमारा कोरबी ग्राम है दोस्तों, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर और स्वर्ग से भी बेहतरीन हमारा यह गांव है। और यहाँ पर जो हवा की जो ध्वनि है उसको आप साफ शब्दों में सुन सकते हैं, वाह कितना अच्छा ध्वनि है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार शानदार नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है हमारे पानी टंकी का, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है इंजीनियरों द्वारा ये तो। और ये देखिए गोला शेप का ये निचला वाला हिस्सा काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है यार, वाह। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से जब गिरेंगे ना तो हमारा हाथ गोड़ पैर जो भी है टूट कर रही छई अर्थात बिखर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचीला वाला हिस्सा यह ऊंचा स्थान है। तो माय फ्रेंड ये वीडियो जो है कैसा लगा यार, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके ग्राम में इस प्रकार का मतलब टंकी बना हुआ या नहीं, बताइए, ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।